गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार एरोडाइट क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम लोग टीचिंग करते हैं, तो उसमें जो हमारी एक संस्था का नाम है न्यू स्टार एरोडाइट क्लासेस, यहाँ पर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल भी डील करते हैं और एकेडमिक क्लासेस के लिए भी हमारे यहाँ क्लासेस चलते हैं। तो जो हमारा कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं वो तो हमने उसका नाम दूसरे तरीके से रखा है, वो तो अंकुरम डिफेंस एकेडमी के नाम से उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एकेडमिक क्लासेस चलती हैं, जैसे कि 10th है, 11th है, 12th है, ये एकेडमिक क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आपके यहाँ लिखा हुआ है, हमारी संस्था का नाम है न्यू स्टार एरोडाइट क्लासेस। इसमें जो एकेडमिक क्लासेस हम लोग ऑपरेट करते हैं, जो एकेडमिक क्लासेस हम लोग डील करते हैं, वो 10th, 11th और 12th को डील करते हैं। तो आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि अपने प्यारे बच्चों को मैं अपने यहाँ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक ट्रांसफ़र करूँ। जैसे कि अभी हाल ही में बच्चों ने क्लास 10th के एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दिए उन्होंने। अब क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के बाद सभी बच्चों के मन में एक असमंजस होता है, एक डाउट होता है कि क्लास 11th के लिए हम कहाँ पर क्लास ज्वाइन करें जिससे हमें बेस्ट स्टडी मटेरियल मिले, जिससे हमें पढ़ाई के लिए एक जो बेस्ट स्तर की, जो सबसे अच्छे लेवल की जो पढ़ाई होती है ना, वो उन बच्चों को मिल सके। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी संस्था जिसका नाम न्यू स्टार एरोडाइट क्लासेस है, यहाँ पर भी 10th, 11th और 12th इनकी एकेडमिक क्लासेस जो हैं, इनकी क्लासेस रेगुलर चलती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसे बच्चे भौतिक विज्ञान बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, ये भी हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम दिया है क्लास 10th का, तो 10th पास करने के बाद 11th में जाते हैं, या जो बच्चे 11th पास करके 12th में गए हैं, उन सब के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी संस्था आपको एक बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। आज उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट पेज में देखा कि हमारी संस्था का नाम है न्यू स्टार एरोडाइट क्लासेस, एकेडमिक क्लासेस यहाँ 10th, 11th, 12th की चलती हैं, और ये तीन सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग ऑपरेट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, अच्छा, अब सब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पर चलते हैं तो ये सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाएगा कौन आखिरकार। ठीक है ना, आपके मन में ये चल रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सब्जेक्ट में देखिए, जो तीन सब्जेक्ट आपके थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, उसमें जो एक सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री है, ये आपको एक सर पढ़ाएंगे जिनका नाम है विजय सर, नाम से तो आप वाकिफ होंगे। तो ये विजय सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और बाकी जो दो सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे कि फिजिक्स है और एक सब्जेक्ट यहाँ पर आता है हमारा मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट की पढ़ाई जो होगी वो आपको यहाँ पर हमारी संस्था में करवाएंगे अजय सर। ठीक है, आप इन्हें भी जानते होंगे फिलहाल, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो आपने दोनों लोगों को देखा ही होगा। तो फिलहाल केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? विजय सर। फिजिक्स यानी कि जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं, क्लास 10th से पास करके जो बच्चे 11th में आते हैं, उनको जब बहुत ज़्यादा 11th और 12th के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो मैं समझता हूं कि केमिस्ट्री मतलब इसे ही आप रसायन विज्ञान कहा करते हैं, तो जो रसायन विज्ञान होगी वो विजय सर के द्वारा टीच की जाएगी आपको, और फिजिक्स यानी कि जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान और मैथमेटिक्स, ये बड़े अहम सब्जेक्ट हैं और बड़ा बेसिक होता है 11th और 12th। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल को ज्वाइन करने जाएंगे ना, ये तीन सब्जेक्ट
बड़े बेसिक सब्जेक्ट हैं, इनकी ज़रूरत आपको बेशक पड़ेगी। तो फिलहाल ये चीज़ भी मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई होगी कि उन्हें केमिस्ट्री विजय सर पढ़ाएंगे और फिजिक्स और मैथमेटिक्स अजय सर से पढ़ने का उनको मौका मिलेगा। अब फिर से एक क्वेश्चन के मन में उमड़ा बच्चों के मन में कि आखिरकार ये अगर, क्योंकि जो बच्चे टेंथ से एलेवेंथ में जाते हैं या बच्चे कुछ ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि विजय सर कौन है, अजय सर कौन है, नाम सुना है उन्होंने, बाय फेस नहीं पहचानते हैं, तो उसके लिए भी देखें हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये देखें, इन्हें आप देखें, ये विजय सर हैं और यही वो टीचर हैं जो आपको केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ाएंगे, और इनको आप पहचानते होंगे शायद, ये अजय सर हैं और ये आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो ये उनके फेसेस आप पहचान सकते हैं कि कौन है आखिरकार, केमिस्ट्री आपको डील करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि जब आप कहीं पर पढ़ने जाते हैं ना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा, मैं समझता हूँ जहाँ तक एक टीचर होने के नाते, जहाँ तक मेरा मानना ये है कि अगर घर से निकलने के बाद बच्चा अगर कहीं पर अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ समझता है ना, तो वो टीचर के यहाँ अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ समझता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आखिरकार उन्हें बाय फेस, नाम से आपका पहचानना तो जरूरी है, बाय फेस भी आपको पहचानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपको कौन पढ़ा रहा है। तो ये वो दो टीचर होंगे जो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। इसके बाद अब सब बच्चों के मन में आ रहे होंगे कि इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद अब ये भी बता दीजिए कि जब आप हमको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, तो दूसरी संस्थाओं से आपकी संस्था क्यों स्पेशल है? बड़ी सीधी सी चीज़ है, आप हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे तो एक बड़ी सीधी सी चीज़ है ना कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों की तुलना में हम लोग क्यों ज़्यादा स्पेशल हैं, क्यों हम लोग ज़्यादा मतलब क्यों आप हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। तो उसके लिए भी देखें, हमने एक यहाँ पर पॉइंट बना करके रखा है, आप दिखा सकते हैं हम आपको। जैसे यहाँ पर आपको फिजिक्स, जैसे आप मैं सब्जेक्ट लेके चलता हूँ, तो फिजिक्स में किस क्रम में पढ़ाई आपकी होगी उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ऐसे मेरे पास तीनों सब्जेक्ट के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, मेरे पास केमिस्ट्री के लिए है, तो मैं एक शॉर्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, व्यू देना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे सबसे पहले जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरुआत करेंगे ना, तो किसी भी लेसन में सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना आपको मैं बताऊँ, किसी भी साइंस में है, मैथमेटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते ना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर साइंस वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे ना, सारा का सारा दारोमदार साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पर होता है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो यूं समझ लीजिए आपको साइंस को समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, और न सिर्फ डिफिकल्ट होगा, धीरे धीरे बच्चे को ये लगने लगता है कि हमको ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं। पर आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे उनको इतना डीप कराया जाएगा, इतना गहराई से आपको चीज़ों को बताया जाएगा कि यकीन मानिए कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी ही, हो सकता है कि आएंगे, ऐसा नहीं है। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डीपली पढ़ाए जाएंगे ना, कन्फर्म है, 100% मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर किया जाएगा तो वो आपको सब्जेक्ट में 1% भी डाउट नहीं बचेगा, 100% वो सब्जेक्ट आपको समझ में ही आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा किसी सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे और बड़ी डीप गहराई के साथ में। दूसरा, इस फिजिक्स में जैसे कि आप जानते हैं वो डेरिवेशंस आते रहते हैं, तो वो डेरिवेशंस हम लोग यहाँ पर करा करेंगे। तो डेरिवेशंस आपको बताए जाएंगे जो भी उस लेसन में होंगे, जिस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी चीज, हम इसके बाद जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा बुक्स में कभी कभी बहुत बहुत न्यूमेरिकल होते हैं, तो हम उन पर फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे वो वाले न्यूमेरिकल जो हमारे PYQs होंगे। PYQs आई होप कि आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में, जैसे पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स मैंने लिया तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा।
उसके बाद आपको डेरिवेशंस वगैरह जो उससे रिलेटेड होंगे वो आपको करवाए जाएंगे, और उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए जाएंगे। पिछले 10 सालों में जो न्यूमेरिकल पूछा गया होगा बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो हर न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर मैं मैथमेटिक्स में चलने की कोशिश करूँ, मैथमेटिक्स में अगर आप आएंगे तो मैथमेटिक्स में एक्चुअली मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस, देखिए मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ तो मैंने स्पेशली जो देखा है, और मैं कई वर्षों से अभी मैथमेटिक्स को डील भी कर रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको बताऊँ तो मैं 2004 से फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट को डील कर रहा हूँ। अभी आप समझ सकते हैं 2004 से भी 2022 चल रहा है, लगभग 17 टू 18 ईयर्स हो चुके हैं मुझे ये सब्जेक्ट डील करते हुए। तो मैंने अभी इतनी अपनी जो टीचिंग लाइफ है उसमें मैंने एक बात गौर की है कि बच्चा मैथमेटिक्स में स्पेशली चाहता क्या है, पहले मैं ये बताऊंगा, और उसको करना क्या चाहिए फिर मैं ये आपको बताऊंगा। स्पेशली मैंने जो देखा है कि बच्चा ये चाहता है कि अगर वो क्लास में आया है मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, तो उसको ये लगता है कि अगर आज वो मैथमेटिक्स पढ़ने आ गया है तो सीधे सीधे बस उसको जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है फर्स्ट करो, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करो, थर्ड करो, जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, सीधे सीधे बस हमें उस एक्सरसाइज में जो यूज हो रहे हैं फॉर्मूले बता दो और बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए आप। स्पेशली मैंने जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं। बट बेटा अपनी 17-18 साल की जो मेरी टीचिंग लाइफ है उसका जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स में भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, उसका इंट्रोडक्शन आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ 12th तो पास कर सकते हैं, वो भी केवल पास कर सकते हैं। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना या उस सब्जेक्ट में नॉलेज स्टोर करना ये नहीं कर सकते आप। इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स में भी जब स्टार्ट करते हैं तो भले शुरुआत में मुझे किसी भी एक्सरसाइज को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उसमें मैं एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगा। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं ना तो मैथ को ना सिर्फ आप रटते हैं, मैथ को आप रटते नहीं हैं, उस समय मैथ को रटना नहीं पड़ता आपको। हाँ, अगर डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगाने जाते हैं, चार फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए मैथमेटिक्स रट रहे हैं, पर मेरी नजरों में आपको मैथमेटिक्स भी रटना नहीं है, उसको इतना अच्छे से सीखना है कि न सिर्फ आप उस क्वेश्चंस को लगा सकें बल्कि आप खुद मैथमेटिक्स में इतनी पारंगत हासिल हो जाए आपको, इतने आप माहिर हो जाए मैथमेटिक्स में कि आप खुद एक मास्टर बन सकें। आप खुद एक मास्टर का मतलब वो मास्टर जो पढ़ाता है, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के मालिक बन जाएं, आपकी इतनी कमांड अच्छी, इतनी अच्छी पकड़ आपके सब्जेक्ट में हो। तो सबसे पहले जब हम मैथ यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगी उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा आपको। उसमें एक दिन लगता है, दो दिन लगता है, लेकिन एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। इसमें एक और बेनिफिट होता है कि जब आप एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन करते हैं ना बेटा, तो उस एक्सरसाइज का लगभग 70-80% पोर्शन, और अगर आप और ज़रा अच्छी कैचिंग पावर आपकी बढ़िया है, आपकी इनिशियल स्टडी आपकी अच्छी हुई है, तो यकीन मानिए कि जब आप यहाँ पर एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कराया जाएगा आपको, तो 80-90% पोर्शन एक्सरसाइज का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ जाता है। उसके बाद भी देखो, हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पर नहीं जाएंगे, उसके बाद भी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कर लिया हमने, पर उसके बाद भी डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे, उसके बाद हम पहले उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। एक एक एग्जांपल आपको यहीं बोर्ड में लगा के दिखाया जाएगा, बोर्ड में लगा के दिखाया जाएगा आपको, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और जब एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे, देखिए एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन कर लिया, एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। और जब एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है तो बच्चों को PYQ की सीट दे दी जाएगी और वो सीट बच्चे सॉल्व करेंगे। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन देखे जा रहे हैं कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाते हैं। पर तो ये मैथमेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी जो आपको विजय सर पढ़ाएंगे, यकीन मानिए कि अभी तक आपने ऐसी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, ऐसी फिजिक्स, ऐसी मैथमेटिक्स, ऐसी केमिस्ट्री आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी, ये आप यकीन मानिए। अब
केमिस्ट्री में सबसे पहले, फिर से वही चीज, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग बहुत बहुत ध्यान देते हैं, डीप बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स पर यहाँ पर फोकस करते हैं हम लोग, ताकि बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे, बिकॉज आई नो कि अगर बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसका बेसिक स्ट्रांग है ना, जैसे सभी लोग कहते हैं ना कि अगर किसी दीवार की नींव मजबूत है तो उस दीवार में आप 10 खंड भी ले जाइए तो कोई मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई आंच नहीं आती। सिमिलरली अगर बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो तुरंत उसका जवाब वो बता सकता है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद जो रिएक्शंस होंगी, रिएक्शंस हम देखते हैं या आप भी देखते हैं दूसरी जगहों पर, रिएक्शंस आपको रटवाई जाते हैं कि ये रिएक्शन है इसको आप रट लीजिए। हमारे यहाँ रिएक्शन आपको रटवाई नहीं जाएंगी, बल्कि उनको ऐसा बताया जाएगा, ऐसे आपको समझाया जाएगा कि वो रिएक्शंस आपके माइंड से, आपकी आंखों से कभी उतरेंगे ही नहीं, ऐसा आपको समझा दिया जाएगा। तो रिएक्शंस भी हम लोग रटवाते नहीं है, रिएक्शंस में भी विजय सर ना आपको ऐसा समझाएंगे कि वो रिएक्शंस आपको एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे सालों साल के लिए वो आपके माइंड में बिल्कुल फिट बैठ जाएंगी, ऐसे कि आप कोशिश करने के बाद भी उतार नहीं सकते उनको। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो नहीं रहते, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में भी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि उस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर बताए जाएंगे। और उसके बाद पी वाई क्यू, उसकी भी डिस्कशन किया जाएगा। पी वाई क्यू अभी आप समझ गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर और ये क्वेश्चन, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री के बारे में हो गया। इस तरह से बेटा आपने देखा कि ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई आज, ये सारी चीज़ें आपने देखी कि हमारी संस्था का नाम न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस है, जहां हम लोग एकेडमिक क्लासेस को डील करते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाती है। यहाँ पर केमिस्ट्री आपको विजय सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अजय सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगर आप नहीं पहचानते हैं तो आप देख लीजिए, ये विजय सर हैं और ये अजय सर, ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और इनसे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद किस सब्जेक्ट में, किस तरीके से, किस क्रम में हम लोग स्टडी करेंगे, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा। तो आज मैं इतना ही आपसे कहना चाहता था, और एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें सेवा का मौका दें, एक बार हमारे यहाँ भी देखें। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यकीन मानिए कि 100% चीज़ें आपको समझ में आएंगी, हम लोग रटाएंगे नहीं, आपको इतना गहराई में भर देंगे, इतने डीप स्टडी आपके करवाएंगे कि आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। और वैसे भी ना, बच्चा स्टडी किस लिए करता है, वो सिर्फ इंटर पास करने के लिए नहीं पढ़ता है, वो इसलिए पढ़ता है ताकि आज जो चीज़ें वो पढ़ रहा है वो उसको आगे तक याद रहें, कम से कम बुढ़ापा तक ना याद रहें, लेकिन कम से कम वो चीज़ें जब तक वो कंपटीशन फाइट नहीं कर जाता है तब तक याद रहें। और ये तभी हो सकता है बेटा जब आप कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप उनको बड़ी गहराई से समझते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, रटते चलते हैं, तो फिर आप समझ नहीं सकते। आप रट तो चीज़ों को सकते हैं, और आप जानते हैं रटने वाली चीज़ें तो बहुत जल्दी उतर भी जाती माइंड से, इसलिए हम लोग बड़ी गहराई से इसको डील करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपसे। बाकी हम लोगों के यहाँ भी आप देखिए, पढ़ करके एक बार बहुत अच्छा लगेगा आपको, ये मेरा भरोसा है। तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर आप जब पढ़ेंगे उस क्लास में। ओके, और ये काम हम लोग ना, ये बहुत जल्दी हम लोगों की क्लास चलाने वाले हैं। मैं आपको डेट मैंने क्लियर नहीं किया, एक्चुअली मैं आपको डेट क्लियर कर देता हूँ। देखिए कि कब से एक्चुअली हम लोग ये डेट ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली तो हम लोगों का ये है कि हम लोग 25 अप्रैल 2022 से ये सारे बैच स्टार्ट कर दिए जाएंगे, आपके 10th का, 11th का और 12th के। 12th का ऑलरेडी वैसे एक बैच चल रहा है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज 11th और 11th वगैरह के बैच आपके 25 अप्रैल 2022 से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस आज इतना ही कहना चाहते हैं, बाकी क्लास में मिलते हैं और भी सीखते हैं बहुत अच्छी चीज़ें। ओके, थैंक यू।